जनपद के जिला अस्पताल में चल रहे टीका उत्सव में मंगलवार को राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ला शामिल हुए, जिसके संबंध में राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ला ने बताया कि 11 अप्रैल को ज्योतिबा फुले का जन्मदिन था और प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया था कि उनके जन्मदिन के अवसर पर पूरे देश में टीका उत्सव का शुभारम्भ किया जाए, जिसके तहत देश भर में टीका उत्सव 11 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल बुधवार तक मनाया जाए। इस दौरान उन्होंने जिला अस्पताल में टीकाकरण कराने आए नागरिकों का कुशलक्षेम जाना और लोगों को आश्वस्त किया कि डरने की आवश्यकता नहीं है, देश में टीके की कमी नहीं है, सोशल डिस्टेंस व मास्क लगाकर कार्य करें। उन्होंने नागरिकों से अपील किया है कि इस टीका उत्सव में सभी लोग बढ़ चढ़कर भाग लें। इस अवसर पर नगर स्वास्थ्य अधिकारी मुकेश रस्तोगी सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ला ने कहा, अब 45 दिन पर लगेगा, तो अब 13-4 में नहीं लगेगा बल्कि 13 को लगवाए हैं, उसके अनुसार 45 दिन जोड़ के आइए, फिर लग गया। 13 को पेपर में आ गया था, इससे 45 दिन, इससे 45 कोई प्रॉब्लम नहीं, इससे कोई ये नहीं है लगेगा नहीं जरा भी चालीस दिन के बाद कभी भी 40 और 45 के बीच में इसको करा लेगा, दूसरा डोज कोवैक्सीन का जो है 1 महीने का, तो कोवैक्सीन यहाँ नहीं लगा, कोवैक्सीन लग रहा है जिसका 45 दिन के बाद, ठीक है ना, नहीं हुई है आपसे मिला था उसने बोले थे कि आकर के आर्मी पर्सनल का नहीं लग रहा, हमने कंफर्म कर लिया, तो देखिए इस समय एक ज्योतिबा राव फूले के जन्मदिवस से लेकर करके और डॉक्टर अंबेडकर जी के जयंती तक शासन ने राष्ट्रीय स्तर पर एक टीका उत्सव का वो किया है, उसमें सब लोग जा करके देख रहे हैं टीका ठीक से लग रहा है नहीं लग रहा है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि चिकित्सा में जुटे हुए लोग बड़ी प्रामाणिकता के साथ वो लगा रहे हैं, हम मतलब इसके लिए कह सकते हैं कि चाहे डॉक्टर हों, चाहे नर्सेज हों, चाहे अन्य निचले स्तर के कर्मचारी हों, वह सभी लोग प्रेम के साथ लोगों को बिठा कर करके और सभी सुविधा देते हुए लगा रहे हैं। बल्कि अभी एक मिलिट्री पर्सन आए थे, चूँकि उनका अनुमन्य आना ही था तो डीएम से मैंने बात किया, बात करने के बाद ये हुआ कि वो एयरफोर्स में जा कर के लगवाएंगे, तो बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है। मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार से टीकाकरण यहाँ चल रहा है, 500-600 लोगों का रोज चल रहा है, वह बहुत सफलता के साथ चल रहा है, उसको मैं देखने आया था और मैंने देखा है, संतुष्ट। देखिए अभी तक तो 45 वर्ष के उम्र के ऊपर के सभी लोगों को लग रहा है, अब इसके बाद से ये लगेगा। देखिए केवल टीकाकरण ही नहीं, जैसे हम और आप मास्क लगाए हुए, सभी लोग मास्क भी लगाए रहें, शारीरिक दूरी भी बनाए रखें, जिस प्रकार से तेजी के साथ यह फैल रहा है, पिछले बार से भी अधिक तेजी के साथ फैल रहा है, बस इतना ही है कि मृत्यु दर कम है, तो ऐसी स्थिति में भी लोगों को सतर्क रह करके जो है और टीकाकरण में भाग भी लेना चाहिए और मास्क भी लगाना चाहिए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करना चाहिए।